जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह अचानक लखनऊ रोड स्थित सोसैया हॉस्पिटल जा पहुंचे। अचानक जिलाधिकारी के आने की सूचना मिलते ही सैया हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। जिलाधिकारी सिंह ने वहां बारीकी से सुविधाओं और व्यवस्थाओं को देखा और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जानकारी देते हुए डीएम सिंह ने बताया कि निरीक्षण करने का मुख्य उद्देश्य हॉस्पिटल अच्छी तरह से संचालित हो और दूर दराज से आने वाले मरीजों को मिलने वाली सुविधा और इलाज की व्यवस्था को देखना है। उन्होंने इस बात पर चिंता जताई कि यहाँ मात्र 4 मरीज भर्ती हैं, जबकि जिला अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ती रहती है। उन्होंने बताया कि व्यवस्था को शीघ्र ही सही किया जाएगा। सिंह ने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दिलाना उनकी प्राथमिकता है। इंस्पेक्शन करने का उद्देश्य ये था कि हॉस्पिटल अच्छे से संचालित हो और दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्रों से जो गरीब लोग आते हैं उनका इलाज अच्छे से हो सके, और यहाँ डॉक्टर्स हैं या नहीं है, उनका स्टाफ है या नहीं है, अस्पताल में कोई सुविधा तो नहीं है, इसी को देखने के लिए आए थे। कुछ चीज़ें अच्छी मिली हैं, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी मिली हैं, उसके लिए बताया है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम है। अभी 2 बजे के लगभग मैंने देखा है यहाँ, और यहाँ केवल 4 पेशेंट्स, बाकी और कोई पेशेंट नहीं है। अब यहाँ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि जिला अस्पताल में काफ़ी भीड़ रहती है और जिला अस्पताल से कुछ ही दूरी पर है ये 100 बेड का हॉस्पिटल और यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं है। ये अच्छा नहीं है, वहाँ से कुछ लोगों को यहाँ ले आ जाना चाहिए जिससे यहाँ इलाज बढ़िया से हो सके। इसके लिए हम देखते हैं क्या हो सकता है। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट।